लोग ये यात्रा 2 अक्टूबर से चंपारण की धरती से हम लोगों ने शुरुआत की थी। आजादी की लड़ाई 1917 चंपारण की धरती से ही सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था। राजकुमार सुखाजी ने मोहनदास करमचंद गांधी को वहाँ बुलाया। वो उसी दिन से 100 साल बाद एक पुनर्जागरण क्रांति है जो समानता का अधिकार भारतवर्ष में पहली बार एक समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। जो संविधान में मौलिक अधिकार राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार दिया गया उसी को हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में 72 वर्षों में जनता के पास तक नहीं पहुंची है, ना उन्हें दिया जा रहा है। फिर समानता के अधिकार की लड़ाई है, समान शिक्षा व्यवस्था, समान कानून, समान अधिकार, समान नागरिकता, स्वास्थ्य प्रखंड वाइज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने उसके लिए लड़ाई है, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई है, और किसानों को औद्योगिक नीति से जोड़ा जाए इस विषय पर इसकी लड़ाई है। और दूसरी, जब सुप्रीम कोर्ट एक न्यायप्रिय आदेश देता है ये SC ST एक्ट पर, क्योंकि कानून कहती है 100 दोषी बच जाए 1 निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया था कि इस SC ST एक्ट की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, 90% केसेस फर्जी है। लेकिन जब एक न्यायप्रिय आदेश दिया जाता है तो वोट की राजनीति के लिए लोकसभा में उस आदेश का उल्लंघन करते हुए एक काला कानून ऐसा पास किया जाता है जो भारतवर्ष के 85% आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस विषय को लेकर के लड़ाई है, और 25 फरवरी को इस लड़ाई की शुरुआत एक पुनर्जागरण क्रांति के रूप में, इस महारैली के रूप में शुरुआत होने जा रही है। राजनीतिक दल से भी आप जुड़ रहे हैं, कोई समर्थन मिल रहा है? जी नहीं, हम कोई राजनीतिक दल से, अगर राजनीतिक दल अच्छे होते ही 72 वर्षों में उनमें सिद्धांत की राजनीति होती तो शायद ये लड़ाई हमें आज लड़ने का दरकार नहीं होता है। तो दुर्भाग्य है कि इस लड़ाई को लेकर 72 वर्ष के बाद हम आगे बढ़े हैं। अगर उनको सिद्धांत होता तो शायद उनका क्या सिद्धांत है आप देख लीजिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां साथ में गठजोड़ होकर के सरकार बनाती है, थाली परोसती है, वक्त आता है थाली को छीन लेते हैं, फिर वक्त आता है उसी थाली को लेकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को जंगल राज के विरुद्ध में मंगल राज बनाने के लिए राज दिया जाता है, वोट दिया जाता है, और फिर से जब उनको दिक्कत होता है वोट की राजनीति का तो उस जंगल राज को मिला करके मंगल राज कर देते हैं। सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम से कैसे लड़े? देखिए, आजादी की लड़ाई आप भूल गए, सिस्टम से बाहर रह करके लड़ा गया, और वो सिस्टम से बाहर रह करके आम लोगों ने लड़ा और इस देश को आजादी मिली। तो इसीलिए सिस्टम के बाहर के लोग ही, आम लोग ही, पूरा क्रांति उठा करके देख लीजिए, मंगल पांडे कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, बिस्मिल्ला खां कौन थे, महात्मा गांधी क्या थे, जयप्रकाश नारायण जी क्या थे, आम लोग ही आजादी का लड़ाई करते। 25 फरवरी के बाद आपका क्या अगला कदम? 25 फरवरी के बाद फिर से हम लोग जिला वाइज संगठन को मजबूत करेंगे, ऑर्गेनाइज। आज हम अनऑर्गेनाइज वे में, हमने एक यात्रा निकाली, पूरे बिहार को जागृत किया, अब हम ऑर्गेनाइज वे में इस अभियान को चलाते रहेंगे जब तक जनता अपने वोट की कीमत को न समझ जाए, अपनी समानता के अधिकार को न समझ जाए। क्योंकि जब तक भाई सारा प्रॉब्लम शिक्षा से, तो इसीलिए सरकार जो है लोगों को शिक्षित नहीं कर रही है। जनता को तो आप जागरूक कर देंगे, लेकिन उनका वोट किसी न किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को ही जाएगा जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो उस रास्ते को आप कैसे निकालेंगे? 1917 से वो एक जमाना था जब महात्मा गांधी सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, 30 वर्ष लगा, 1947 वर्ष भारतवर्ष आजाद हुआ। अब तो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ये क्रांति आने में ज्यादा, वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, कैसे दोनों में? लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, और जिस दिन जनता को वोट का कीमत समझ में आ जाएगा ना, वो पॉलिटिकल पार्टियों को समझा देगा, और पॉलिटिकल पार्टियों को 25 फरवरी को समझ में आ जाएगा कि जनता जाग रही है, हम सुधर जाए, हालांकि जनता हमको भगा। अच्छा, अगली सवाल, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर आता है आपको उनके साथ जाने का तो क्या करें? अगर जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आती है कि हम SC ST एक्ट का कानून सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करेंगे, जो राइट टू इक्वलिटी संविधान में है उसको हम लागू करेंगे, हर एक पंचायत में एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कूल बनवाएंगे जहां गरीब, वंचित, अमीर, IAS, IPS सबका बेटा एक साथ पढ़े,
हम हर एक प्रखंड में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देंगे जहां फ्री इलाज वंचित गरीब सबका हो। हम समान कानून इस भारतवर्ष में लागू करेंगे, हम सबको समान अधिकार और समान नागरिकता को देंगे। अगर इस सारी बातें कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आती है तो हम उनके साथ में चले जाएंगे। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।